रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों के साथ अल्मोड़ा रोडवेज वर्कशॉप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अब 1 माह होने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। मांगों से लेकर जब तक सरकार से वार्ता की गई, तो वार्ता विफल होने के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक रोडवेज कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर ही डटे रहेंगे। हमारा पिछले 2 माह से आंदोलन लगातार चल रहा है। पिछली बार भी निगम प्रबंधन का समझौता हुआ, उन्होंने कुछ समय दिया, 1 माह का समय हमने उनको दिया। लगातार वार्ताएं विफल हो रही हैं। हमारी मुख्य मांगों में वेतन माह की 1 तारीख को मिलना चाहिए। हमारे संविदा साथी, वायस्रोत के साथी जो बहुत ही दयनीय हालात में हैं, जिनको 6,000-8,000 का वेतन मिलता है, उन्हें कम से कम महंगाई को देखते हुए 18,000 का वेतन उन्हें देना चाहिए। संविदा कर्मियों को 15-18 साल हो गए, उन्हें समय पर नियमित किया जाए। सरकार पूर्ण रूप से निगम के खिलाफ चल रही है, निगम को बंद करने की साजिश रची जा रही है, जिसका रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद कर्मचारी हित में, निगम हित में पुरजोर विरोध करेगी और कर्मचारी हित के लिए संघर्ष करेगी। जब तक हमारा प्रांतीय नेतृत्व हमें कोई आदेश नहीं करता, हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। जो आज कम है, कल से और उग्र रूप धारण करेगा और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वार्ता हुई थी कल, हमारे जो प्रांतीय नेतृत्व थी उनकी, हमारे महामंत्री जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वार्ता वहाँ पर हुई थी, और वहाँ पर हमारी वार्ता विफल हो गई, क्योंकि जो हमारी मांगें हैं उन मांगों में कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। इस वजह से वार्ता विफल हो गई है, और हमारे जो प्रांतीय नेतृत्व का आह्वान पर हमने आज यहाँ से 7 तारीख से कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर दिया है। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।